बीच बहादुरगढ़ से बड़ी खबर हमें मिल रही है। बहादुरगढ़ से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त जाम है, टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। और अब देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंभीर जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से रेंग रेंग कर ये वाहन आगे यहां से बढ़ रहे हैं। इस जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, सड़क बनने का काम चलने से ये जाम लगा हुआ है, यानी कि जो सड़क बनने का जो काम चल रहा है उसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। यहाँ लंबा जाम लग रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, यानी अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं किसी भी काम से, अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप इसे अवॉइड करें इस रास्ते को, क्योंकि बहुत भयंकर जाम यहाँ पर लगा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डबास जी मौजूद हैं। प्रदीप डबास जी, क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगे? देखिए अमित, लगातार ये पिछले शायद 10 दिन से ये इस तरह की स्थिति यहाँ पे जाम की बनी हुई है। जब हरियाणा से हम दिल्ली के प्रवेश करने के लिए टिकरी बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम दिन भर लगा रहता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पर एक सड़क के पैच का निर्माण हो रहा है। बहुत छोटा पैच है लेकिन सड़क जो कि नहीं है, और वो पैच अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, करीब 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और उस पैच की वजह से ही 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम पूरे दिन भर जाम स्थिति बनी रहती है। और प्रशासन से कई बार कहा भी है लोगों ने यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ इस समय भी यहाँ जाम की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पुलिस के वाहन भी फंसे हुए हैं और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है इस जाम में। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए तस्वीरें तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से प्रदीप जी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि भयंकर जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ये जाम है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले काफ़ी समय से ये जाम यहाँ पर लगातार लग रहा है, और इसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर सड़क बनाने का जो काम है वो चल रहा है, कहीं पर ये सड़क जो है वो टूटी हुई है, और इसकी वजह से हर रोज़ यहाँ पर इसी तरीके का जाम लगता है। जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत स्थानीय प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का किसी तरह का कोई समाधान नहीं।